तो दोस्तों इस तरह की वीडियो आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आज मैं सिखाऊंगा कि इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, वो भी काइन मास्टर से। तो चलिए बगैर देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप मीडिया पर जाएंगे। मीडिया पर जाने के बाद यहाँ पर कोई भी एक ब्लैक कलर ले लेंगे, यहाँ से एक, ठीक है, कोई भी नहीं, मतलब एक ही ब्लैक कलर होता है तो उसको आप ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप जितनी वीडियो बनाना चाह रहे हैं उसको इतने हिसाब से रखेंगे। सबसे पहले अभी आपने काम करना ये कि अगर अपनी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए यहाँ से लेयर पर क्लिक करते हैं और यहाँ टेक्स्ट वाली फाइल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके अब जो भी आपका स्टेटस है, जो भी आपका नाम है, जो भी आपका गाना है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ से एक मरतबा लिख देना देता हूँ पूरा, उसके बाद एडजस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सब कुछ लिख दिया है। उसके बाद सिंपली आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर ये वाली जो लेयर है इसको ड्रैग करके आपने इसके मुताबिक रख देना। आगे मैं बताता हूँ आपने करना क्या है। ओके, तो यहाँ पर रख के आपने इसको इस तरह से फुल कर देना है, ये देखें, आपने जूम कर देना है इसको बड़ा। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर चले जाना है टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पर आप जाएंगे और यहाँ से आपने इसको फॉन्ट जो देना है वो अच्छे सा कोई भी फॉन्ट दे देना है। ओके, तो यहाँ पर एंड्रॉयड वाले फॉन्ट पे अब ऑलरेडी फ्री फॉन्ट बहुत सारे पड़े हुए हैं, इसमें से आप ले सकते हैं। ओके, तो ये ओके कर देंगे इसको और ये देखें यहाँ पर ये इस तरह के फॉन्ट हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मुझे ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, मैं देखता हूँ ये वाला फॉन्ट, आई थिंक ये सही रहेगा। ओके, ये वाला सही है, तो इसको क्या करेंगे अभी, ये देखें यहाँ पर आएंगे। अब जहाँ से आपका गाना प्ले होता है या फिर बंद होती है उसका हिसाब किताब बोलने का, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अभी इसको मैं यहाँ पर ब्रेक करूँगा और इसको एक कट लगाऊंगा यहाँ से, ये देखें स्प्लिट कर दूंगा यहाँ से। ओके, और थोड़ा इसी सेम तरीके से आपने अपने गाने के हिसाब से करना, क्योंकि म्यूज़िक में यहाँ से प्ले नहीं कर सकता, कॉपीराइट का इशू होता है, तो उसी हिसाब के लिए। तो यहाँ पर मैं दोबारा इसको एक कट दूसरा लगाऊंगा यहाँ पे। ओके, ये हो गया। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पहले वाले को आपने सिलेक्ट कर देना और यहाँ पर इसको आपने जो एनिमेशन देना है वो ये वाला, देखें लेटर बाय लेटर यहाँ पर लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, कहाँ गया, ये गया लेटर बाय लेटर। तो इस तरह ये देखें आपने सारों के ऊपर इस तरह से इफेक्ट में जाके यहाँ पर, सॉरी, इन एनिमेशन में जाके लेटर बाय लेटर वाला आपने सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो ये देखें लेटर बाय लेटर इस तरह। ओके, ये देखें सारों की स्पीड भी आप यही सेम रखेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ये देखें इस तरह आप करते जाएंगे, लेटर बाय लेटर को आप सिलेक्ट कर देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने गौर से सुनना है कि आपने करना क्या है। ओके, अब ये देखें अपनी वीडियो यहाँ पे हो रही है, अब यहाँ पे हो चुकी है। अब सिंपली आपने इस वीडियो को सेव कर देना है, ठीक है। अब इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, अभी आपने इसको सेव कर देना है। यहाँ देखें ये मैंने इसको सेव किया। अब ये वीडियो जब तक सेव होती है इसके दरमियान अगर आपने अभी तक यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना। आगे सिंपली आपने इस वीडियो को सेव करने के बाद यहाँ पर चले जाना है अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पर अगर प्ले स्टोर पर आपने चले जाना, और अगर वहाँ पे आपके पास ये नोट वीडियो एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ हुआ है पहले से तो ठीक है, वरना यहाँ से नोट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर मैं ओपन करूँगा इसको, ठीक है, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है नोट एप्लीकेशन, तो ये बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें आपको इस तरह, ये मैंने कुछ इसमें पहले से बनाया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है। आपने यहाँ प्लस पर क्लिक कर देना है, प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसको रोटेट करता हूँ। ओके, यहाँ से, और यहाँ पर ये रेड वाला जो प्लस दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर ये देखिए मीडिया का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो वीडियो के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी फाइल के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ से जो वीडियो आपने अभी रिसेंटली सेव की है उसको आप यहाँ से लेंगे। तो चलिए ये वाली वीडियो मैंने सेव की थी तो इसको मैं लेके आया हूँ। अब आपने क्या करना है, अब थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से ये देखें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ओके, यहाँ पे रखना है वो इसलिए ताकि जो आप काम करें वो आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो उसके बाद सिंपली यहाँ पर ये देखें आपको प्लस का बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ये देखें असिस्ट स्टोर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है असिस्ट स्टोर पर। ओके, उसके बाद सिंपली यहाँ पर ये देखें ग्लो स्कैन लिखा हुआ और नहीं, और दूसरा आपने सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है, ग्लो स्कैन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह के ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब इसकी सेटिंग वगैरह करनी है, कैसे करनी है, वो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें इसकी सेटिंग्स बहुत सारी आ रही हैं, यहाँ पर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, कितना बढ़ाना चाह रहे हैं ये देखें वो कैसे हो रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने ऐसे बढ़ाया। अब जिसके ऊपर आप क्लिक करके उसको आप ऐसे बढ़ाएंगे तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसको इतना रखा, और उसके बाद यहाँ पर अब ये भी कर सकते हैं कि इसको मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखें कलर जो है, कलर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखें ग्लोइंग कलर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं। ओके, तो मैं फिलहाल यहाँ पर इसको रेड कलर देना चाह रहा हूँ, तो रेड कलर ही सही रहेगा, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें रेड कलर।
ओके ये हो गया। उसके बाद सिंपली आपने कहीं भी बाहर क्लिक कर देना है। ओके ये देखें इस तरह का हो गया। अब ये मैन्युअली हम इसमें बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने सिर्फ सीखनी है। उसके बाद जो दूसरी वीडियोज आएंगी उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो सिंपली अभी आपने क्या करना है, तो यहाँ पर ये देखें प्लस के बटन पर आपने दोबारा क्लिक कर देना है, दोबारा असिस्ट स्टोर पर चले जाना है। अभी यहाँ पर ये देखें आपको नेचर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। नेचर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें आपको रेन ड्रॉप्स दिखाई दे रहा होगा, ये वाला देख रहे हैं जहाँ पर मेरा एरो लगा हुआ है, यहाँ पर ये देखें रेन ड्रॉप्स। अब ये देखें यहाँ पर आपको इस तरह से शो तो नहीं होगा, लेकिन अभी क्या करना है, ये डायनेमिक जो ऑफ है इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, ये देखें इस तरह। ओके अभी इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसकी सेटिंग में उलझाना नहीं चाह रहा, आप इसको भी टिक कर दें। ओके तो बाद में मैं आपको दूसरी जो वीडियोस मेरी आने वाली हैं उसमें डिटेल से इसको समझाऊंगा कि किस तरह से ये काम करता है। अभी आपने क्या करना है, यहाँ से ये वीडियो आपकी हो चुकी है, अभी आपने सिंपली यहाँ पर ये देखें ये वाला बटन इसको आपने क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद ये जो हरा बटन है इसको आपने यहाँ से क्लिक कर देना है, तो ये वीडियो आपके अब यहाँ पर ये देख सकते हैं। इस तरह आप इसको मैन्युअली अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़क्त आपको समझाने के लिए किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अच्छी एक वीडियो हमारे सामने आ चुकी है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगेन यही कहूँगा कि अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।